नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूँ जितेश मिश्रा। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे हरियाणा राज्य को हिला कर रख दिया है, और मामला है एक 12वीं क्लास में पढ़ रहे छात्र की हत्या का। दरअसल 12वीं क्लास में पढ़ रहे आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, और आरोप ये था कि वो गऊ तस्कर में शामिल थे। दरअसल 23 अगस्त की रात को आर्यन मिश्रा अपने दोस्त के साथ गाड़ी में सफ़र पर निकले थे। वहीं दूसरी गाड़ी में जो आरोपी थे उन्होंने आर्यन मिश्रा को रुकने का इशारा किया, पर आर्यन मिश्रा नहीं रुके, और कुछ दूरी पर जाने के बाद आर्यन मिश्रा को गोली मार दी जाती है। मुख्य आरोपी अनिल कौशिक की माँ का भी एक बयान सामने आया। मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनका बेटा गौ रक्षक है और वो किसी गौ रक्षक के संगठन से जुड़ा हुआ है, जिस कारण वो इन कार्यों में शामिल रहता है। पीछा उनके बेटे ने किया था पर गोली नहीं चलाई थी। ऐसे में हरियाणा पुलिस इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगातार लगी हुई है। वहीं फरीदाबाद पुलिस का भी एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये पूरा मामला पहचान में गलत फहमी और पहचान ना कर पाने के कारण गोली चलाने का है। वहीं आर्यन मिश्रा के पिता, उनका भी बयान सामने आया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सहमत नहीं है, लेकिन जो कानून प्रशासन कर रहा है तो उनको ज़्यादा पता है, और वैसे पुलिस पूरी मदद कर रही है मेरी, क्यों सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो नहीं है सारी मेरी अपनी ही मदद कर रही है, पुलिस मेरी पूरी मदद कर रही है। लेकिन हमें आत्मक शांति नहीं मिल रही है कि पहले लेडीज़ों ने चार आदमी तीन आदमी बयान दिए कि एक नंबर वाले हैं, और एक नंबर वाले कैमरे में आ गए कि नहीं हैं, उसके बाद ये गऊ कस्कर वालों को दिखा दिए हैं। दरअसल 24 अगस्त की सुबह जब आर्यन मिश्रा रोड पर थे, सफ़र कर रहे थे गाड़ी में, तो उनको दूसरी गाड़ी से पांच आरोपियों ने रुकने का इशारा किया, पर आर्यन मिश्रा नहीं रुके, क्योंकि उनके साथ गाड़ी में उनका एक दोस्त और दो लड़कियां भी थीं, जो अभी तक सामने आया है। वहीं गौ रक्षकों ने, जो पांच आरोपी थे जो अपने आप को गौ रक्षक बता रहे हैं, उन्होंने आर्यन मिश्रा का 25 किलोमीटर तक पीछा किया, और 25 किलोमीटर पीछा करने के बाद गोली मार दी। उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे पहले आर्यन मिश्रा की गाड़ी तेज़ी से टोल को क्रॉस करती है, वहीं पीछे गौ रक्षकों की गाड़ी जो टोल को तोड़ते हुए लगातार आर्यन मिश्रा की गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आई है। लगातार हरियाणा पुलिस इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। वहीं हरियाणा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में गौ रक्षा, नशा, सड़कें, पानी, ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं, और इन मुद्दों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी वोट मांग रही है। पर देखना ये ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इस बार हरियाणा की जनता किन मुद्दों पर हरियाणा में वोट डालती है और क्या होता है। गौ रक्षा जो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और कहीं ना कहीं इसे एक धर्म से भी जोड़ा जाता है, हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है गौ रक्षा को, तो इस बीच क्या हरियाणा में इस बार गौ रक्षा के मुद्दे पर हरियाणा की जनता वोट डालती है कि नहीं। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद के NIT से नू हिंसा के मुख्य आरोपी और गौ रक्षक बिट्टू बजरंगी ने भी निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि NIT से बिट्टू बजरंगी क्या जीत पाते हैं या फिर नहीं। बाकी देश दुनिया से तमाम जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।